जैसे कि मैंने आप सभी को कहा कि 10 मिनट के लिए मैं लाइव आऊंगा, 10 मिनट के बाद मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय पार्श्वनाथ, भारत माता की जय, जय मां भारती। सभी साथियों, हृदय से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। एक गंभीर बात है जो हृदय में चुभ रही थी सुबह से लेकर के अभी तक, तो मैं वो आप सभी के बीच उजागर करने के लिए आया हूं। पेज है ये, पेज के द्वारा आप सभी के बीच ये वार्ता रखना चाहता हूं। जैसे कि मैंने कहा 10 मिनट पूर्व कि मैं संगठनों के विषय को लेकर के आप सभी के बीच 10 मिनट के लिए बात करना चाहूंगा। 10 मिनट के लिए मैं अपने शब्द आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कभी कभी मेरी बातें बहुत सारी, कभी कभी तो नहीं लेकिन हर पल, हर वक्त, हर समय मेरी बातें आप सभी को बहुत चुभती है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप जहरीले और विषाक्त शब्दों का प्रयोग करते हो, तो यह मेरे एक मजबूरी समझिए या फिर मेरे स्वभाव की मजबूरी समझिए। मैं बचपन से मैं ऐसे ही हूं, मेरे रक्त में क्षत्रियता भरी है, क्रोध भरा है, और वह क्रोध मैं खत्म नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वही मेरे राष्ट्र की संपत्ति है। उसी मार्ग से मैं आप लोगों के कानों के अंदर जो मैल जमा हुआ है उसे निकालना चाहता हूं। मेरे पिताजी जब मैं छोटा था तब मुझे कहानी सुनाते थे, जो कहानी आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को दोहराना चाहूंगा। एक कहानी मेरे पिताजी मुझे अक्सर सुनाते थे। वे कहते थे कि लकड़ियों का संगठन, 10 लकड़ियों को आप एक साथ लेकर के तो तोड़ नहीं सकता, लेकिन एक लकड़ी को एक एक करके दसों के दसों लकड़ी को तो तोड़ सकता है। अर्थात संगीतता में बल है, परिवार में बल है, समूह में बल है। शेर भी किदड़ों के समूह में एक बार फंस जाता है तो वह भी मारा जाता है, उसकी भी हत्या हो जाती है। हमारे हिंदुस्तान में लाखों संगठन है, हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं के बहुत सारे संगठन हैं। रोज नए नए संगठनों की निर्मिति होती है और संगठनों को लोग भूल भी जाते हैं। भारत में जितने भी संगठन, उन सभी संगठनों से एक प्रार्थना करता हूं मैं हृदय से। आज मेरे मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में एक ख्याल आया था कि मैं जो ये लड़ाई लड़ता हूं, ये हिंदुत्व की लड़ाई है, यह जो मैं लड़ाई लड़ता हूं यह एक हिंसात्मक लड़ाई है, शाब्दिक हिंसा, व्यावहारिक हिंसा, मजबूरन ही क्यों ना हो मुझे करनी पड़ती है और मैं कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों का दिल दुखता है मेरे द्वारा, चाहे वे विरोधी हो, विद्रोही हो, विपक्षी हो, आक्रांता हो, विधर्मी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का दिल टूटता है जब भी मैं अपने शब्दों का प्रयोग करता हूं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे नजरों में वो पाप नहीं। जब युद्ध के संग्राम में, युद्ध के मैदान में, रणक्षेत्र में आप जब पहुंचते हो तो वहां हमारे अपने भी हमारे हाथों के द्वारा मारे जाते हैं, तो वो पाप नहीं होता, वो धर्म होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के उस संग्राम में। कितने लोग मुझे देखते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है मेरे लिए, यह मुद्दा होता ही नहीं है कभी, क्योंकि मुझे पता है कि यह पेज है और इस पेज से बहुत सारे लोग कम जुड़ेंगे क्योंकि 3,500 लोग ही इस पेज में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये बात आप तक पहुंचेगी, तो समस्त संगठन जितने भी हिंदुस्तान में हैं, उन सभी संगठनों को एक दिल से करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा मैं कि अपने अहम को, अपने ईगो को, अपने इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को दमित कर दो, दफना दो, समाप्त कर दो, आग लगा दो उसे। और हिंदू संगठन यदि बोलते हैं अपने आप को, हिंदू संगठनों के मुखिया यदि आप अपने आप को बोलते हो, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए कार्यकर्ता अगर अपने आप को बोलते हो, तो आपको हिंदुओं के लिए हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी होगी। और अगर आप हिंदुत्व की लड़ाई नहीं लड़ सकते सामूहिक रूप से, सांघिक रूप से, तो आपको इन हिंदू संगठनों का बहिष्कार करना होगा, आपको इस हिंदू संगठनों को तोड़ना होगा। लाखों संगठन है हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन जब भी कभी हिंदुस्तान में इस हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हिंदू जब जब खतरे में पड़ता है, हिंदुओं को जब आवश्यकता पड़ती है, हिंदुओं की माता बहनों की जब इज्जत सरेआम लूटी जाती है, हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं और एक दूसरा हिंदू नपुंसक की भांति देखता है यह सारा तमाशा, यही देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। और इसीलिए नपुंसकों को जगाने के लिए मैं आप सभी के बीच आता हूं। एक दिगंबर सन्यासी, एक निर्ग्रंथ सन्यासी, जिसने वस्त्रों का त्याग कर दिया, जिसने वैभव का त्याग कर दिया, जिसने राजमहल का त्याग कर दिया, जिसने महलों का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, अपने माता पिता का त्याग कर दिया, सुख और ऐश्वर्य का त्याग कर दिया, इसीलिए त्याग कर दिया क्योंकि मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकूं। लेकिन मैं अपनी आत्मा का तो कल्याण कर ही रहा हूं, करूंगा भी, लेकिन साथ साथ में आप सभी को उस जगह ले जाना चाहता हूं जिस जगह में भी पहुंचने का मादा रखता हूं, उद्देश्य रखता हूं। जब मैं मुसलमानों के लाइव पर देख जाता हूं,
जब एक मुस्लिम बोलता है लाइव आकर, तो उस मुस्लिम के अकाउंट में जितने लोग हैं, अधिकतर 5,000 तो संख्या है, 5,000-10,000 फॉलोअर्स होते हैं, लाखों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन उस मुसलमान के लाइव पर हजारों लोग तत्काल जुड़ते हैं, यही उनकी सामूहिकता है, संगीतता है। ये मुझे बड़ी बेशर्मी का अनुभव होता है कि हम आपके लिए जी जान लगाते हैं, जी तोड़ते हैं, अपनी जान अपने जोखम में डालते हैं, अपना हर पल सर के ऊपर लटकती हुई तलवार लेकर के आप लोगों के लिए चलते हैं, और बेशर्मों की भांति आप लाइव पर आने के लिए भी सोचते हो, संकोच भावना रखते हैं कि हम ये लाइव को शेयर करें या नहीं करें। यह आपका अपना विषय है, और यही है गंभीर विषय जो आपके आने वाली पीढ़ी को, आपके आने वाली नस्ल को परास्त कर देगा, उसे भी यवन बना देगा, उसे को भी विधर्म बना दिया जाएगा। ज्यादा समय अब दूर नहीं है, ये सोचना है आपको, ये तय करना है आपको। तय किया हमारे गुजरात में वाराही में कुछ मुसलमानों ने, 19 मुसलमानों ने आतंक फैलाया और हमारे हिंदुओं को परास्त करने के लिए वहां से भगाने का उन्होंने दुस्साहस किया, प्रयास किया, पूरा प्रयास किया कि हिंदू वहां से भागना शुरू करे। लेकिन गुजरात में अगर इस प्रकार की हरकत कहीं पर भी हो, तो हम उस जगह पर उन मुसलमानों के लिए कैराना बनाने में देर नहीं लगने देंगे। लेकिन क्यों करें हम, क्यों हम हिंदुओं के लिए उन मुसलमानों से लड़े, क्यों हम तुम हिंदुओं के लिए उन यवनों से लड़े, तुम हिंदुओं के लिए हम क्यों अपनी जान जोखिम में डाले। हम भी ऐशो आराम से जिंदगी जीना चाहते हैं, आप नहीं लड़ना चाहता हूं मैं आप लोगों की लड़ाई, छोड़ना चाहता हूं मैं आप लोगों का साथ, नहीं चाहिए मुझे हिंदुत्व की लड़ाई। अगर मैं इस प्रकार की भाषा बोलू तो स्वाभाविक है कि आपका हृदय टूटेगा, दुखेगा, क्योंकि अगर मुखिया ही, अगर साधु ही, अगर संत ही, अगर आपको मार्गदर्शक कर मार्ग बताने वाला वह दर्शक ही यदि गुंगा हो जाता है, मौन हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी आने वाली नस्ल समाप्त होने वाली है, समाप्त होने की कगार पर है, आपका राष्ट्र अवनति की ओर जाएगा। मैं मेरे प्रचंड हिंदू योद्धा सनी भाई शाह जो अहमदाबाद से है, जो मेरे कट्टर अनुयायी है, भक्त है, मित्र है और धर्मपुत्र है, जो मुझे अपना बहुत कुछ मानते हैं, समझते हैं, राष्ट्र गुरु मानते हैं, मुझे अपना धर्म गुरु मानते हैं, धर्म पिता मानते हैं, मैं आपका धर्म गुरु ही तो हूं, बाकी कोई और रिश्ता आपके साथ मेरा कदापि हो नहीं सकता। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर मैं अपने जीवन के रिस्क आप लोगों के लिए लेता हूं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरा पूरा सहयोग करिए। मैं आपसे तन मन और धन में से आपका धन नहीं मांगना चाहता हूं, ना कभी मांगूंगा, कभी उसकी अपेक्षा करूंगा। लोग पेटीएम के जरिए मांगते होंगे, वो उनका अपना विषय, लोग बैंक अकाउंट के जरिए आपका पैसा मांगते होंगे, वो उनका अपना विषय है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। यदि संगठन वाले आपसे पैसा मांगते हैं तो स्वाभाविक है उनको देना आपका फर्ज भी है, क्योंकि बिना पैसों के संगठन नहीं चलता। वह आपका दायित्व, आपका कर्तव्य, आपका दायित्व है, वो आप जाने, आपका कर्तव्य जाने, उसमें मुझे हस्तक्षेप नहीं करना है। सूर्य सागर कभी आपके रुपयों पर, आपके धन पर, आपके वैभव पर दृष्टि नहीं डालेगा, यह वचन है मेरा। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझ तक पहुंचे और दीजिए, मुझे प्रत्यक्ष बैठिए, वही प्रमाण स्वीकार कर मैं आपका वरदान लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं भिक्षुक हूं। अगर मैं पेटीएम के जरिए, बैंक के जरिए आपके पैसे लेता भी हूं, तो मुझ पर यह कलंक नहीं लगेगा, धब्बा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं भिक्षुक हूं, यह मेरा अधिकार है। लेकिन मुझे फिर भी उस अधिकारों की आवश्यकता नहीं। मैं चाहता हूं कि सारे हिंदू संगठन एक जगह आ जाए, हर बार बोलता हूं, सभी संगठनों को निजी रूप से बोलता हूं, लेकिन फिर भी मेरी तस्वीर लगा दीजिए। मेरी तस्वीर क्यों नहीं लगी फलाना ढेकना टीम का? अरे तुम मरने के बाद तुम्हारी तस्वीर क्या ऊपर आकाश में लेकर के जाओगे? 4 दिन याद रखेंगे तुम्हें लोग और फिर भुला दिए जाओगे। तो जितनी जिंदगी आपको ईश्वर ने दी हुई है, उतनी जिंदगी का आनंद लो, और जितना भी आपके समय ईश्वर ने दिया हुआ है उसका सदुपयोग करो। जैसे कि मेरे पिताजी के बारे में मैंने बताया आपको कि मेरे पिताजी मुझे अक्सर कहते थे कि लकड़ियों के समूहों को तोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है, लेकिन एक एक लकड़ी को तोड़ना बच्चे के बाएं हाथ का खेल है। देख लीजिए, NIA ने 17 मुसलमानों को पकड़ा, आतंकवादियों को पकड़ा, मुसलमानों का संगठन उन्हें बचाने के लिए सड़कों पर आ रहा है,
आतंकवादियों को बचाने के लिए मेरे भारत में मुसलमान सड़कों पर आ रहे हैं, सरकार देख रही है तमाशा, कुछ नहीं कर रहा। जो आतंकियों का समर्थन करते हैं, जो आतंकियों के समर्थन के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, चाइना के जैसे कानून को लागू कर देना चाहिए, सड़कों पर ही इन लोगों को शूट कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, तभी दूसरा आतंकी पैदा नहीं होगा, पनपेगा नहीं। मैं यही चाहता हूं कि अब लोकतांत्रिक इस भारत को नष्ट होना होगा, लोकतंत्र को नष्ट करना होगा, और यहां पर अब हुकूमत लानी होगी उस हिटलर के जैसी। या तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, या तो फिर यह सैनिक शासन लागू कर दिया जाए। यहां लोकतंत्र का कोई कार्य नहीं है, और यही लोकतंत्र मेरे भारत की हत्या करेगा, यही लोकतंत्र मेरे हिंदू की हत्या करेगा, यही लोकतंत्र मेरे हिंदुस्तान को मटिया मेट करके इस भारत माता के चिरहरण के लिए निमित्त बन जाएगा। हम अभी वहां तक पहुंचना नहीं चाहते। पहुंचने की बात मैंने जैसे कि कहा कि मैं 10 मिनट आपके साथ बात करना चाहूंगा। बड़ा दुख है आज, एक हिंदू दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। फेसबुक का ये जो लाइव का माध्यम है, इस लाइव को मजाक बना लिया है मूर्खों ने। धर्म की बात नहीं कर सकते, राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकते, सामूहिकता की बात नहीं कर सकते, सांगिकता की बात नहीं कर सकते। हिंदू को हिंदू नहीं जोड़ रहा है, हिंदू को हिंदू तोड़ रहा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को लाइव पे आकर के कभी गाली नहीं देता, एक बौद्धिस्ट दूसरे बौद्धिस्ट को कभी गाली नहीं देता, एक विदेशी दूसरे विदेशी को लाइव पर आकर के गाली नहीं देता, लेकिन हमारे हिंदुओं को न जाने कौन सा कीड़ा काट लिया है, कौन सा दीमक काट लिया है, समझ से परे। मां बहने, हमारी माता बहनें भी लाइव पर देखती है। मैंने एक सर्वे किया, एक देखा है मैंने, हमारे जितने योद्धा है धर्म धुरंधर, जो अपने आप को धर्मनिष्ठ समझते हैं, धर्म योद्धा समझते हैं, उनके लाइव पर हमारी माता बहनें व्यूअर्स बहुत सारे होते थे, अब धीरे धीरे कम हो गए। जहां 10,000 लोग उनके लाइव को देखते थे, वहां 500 लोग होने लगे। तुम मंथन करो, क्या तुम्हारे उस लाइव को, तुम्हारे उस गाली गलौज को, क्या तुम तुम्हारी मां के सामने, बहन के सामने, परिवार के सामने, पुत्र के सामने, पिता के सामने, अपने परिवार के सामने, समूह के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने बहनों के बीच, क्या तुम अपने ही लाइव को देखने की हिम्मत रखते हो? अगर हिम्मत रखते हो तो आप मर्द हो, और अगर आप वो हिम्मत नहीं रखते तो नामर्द हो, नपुंसक हो, कायर हो, हिंदुओं के नाम पर सबसे बड़े कलंक हो, जयचंद हो। अभी भी समझो कोई फर्क नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा है। ये लाइव लाइव खेल करना बंद कर दीजिए। जिसे बोलने की तमीज नहीं, जिसे बोलना तक नहीं आता, जिसको धर्म के बारे में ज्ञान नहीं, जिसको राष्ट्र के बारे में स्वाभिमान नहीं, वो आकर के बस अपनी पंडितगिरी झाड़ने लगता है। इसीलिए लाइव पर आने का मजा नहीं आता, बोलने की इच्छा नहीं होती। क्यों बोले हम? मुझे यह अभिमान है कि आप सारे के सारे मेरा समर्थन करते हो, धर्मगुरु होने के नाते आप मेरी इज्जत करते हो, क्योंकि इज्जत आपको करनी होगी मेरी, क्योंकि मैंने इज्जत गमा दू, ऐसा कोई कार्य नहीं किया, और भविष्य में मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। विषाक्त शब्दों का प्रयोग केवल आप लोगों को जगाने के लिए मैं करता हूं। जितने हिंदू संगठन है, सावधान हो जाइए आप। मुसलमान आतंकवादियों को छोड़ने के लिए कोर्ट के दरवाजे ठोकता है, और आप लोग नोटा 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 करके अपने ही पत्नी का, अपने ही बेटी का, अपने ही माताओं का, अपने ही बहनों का, अपने ही परिवार का चिरहरण करने के लिए निमित्त बन रहे हो। नोटा का अर्थ क्या हुआ? आप बेफिक्र होकर के नोटा दबाइए। इसके बाद मैं नोटा के ऊपर बोलने वाला नहीं, बोलूंगा, मैं कोई वचनबद्ध नहीं हूं कि नहीं बोलूंगा, पर मैं अब कंट्रोल करूंगा स्वयं के ऊपर। नोटा की ऐसी तैसी, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे पर 10,000 मुसलमान भी यदि धावा बोलेंगे ना, 10,000 को 10,000 की गर्दन काटने की ताकत एक अकेला ये सन्यासी, 50 किलो वजन है मेरा, रखता हूं मैं अपनी रक्षा करूंगा, मेरे अपनों की रक्षा कर लूंगा, लेकिन तुम तुम्हारे अपनों की रक्षा कैसे करोगे? क्योंकि कायर हो तुम, तुम्हारे धर्मगुरुओं की इज्जतें तुम बाजार में नीलाम करते हो, तुम अपनी मां बहनों की इज्जतें अपनी नीलाम करते हो, तुम कैसे हिंदू? हिंदू का अर्थ है जो संस्कृति को समझता है, सभ्यता को समझता है, जो नारी का सम्मान करता है। मैं देखता हूं अक्सर हमारी कविता बहन राजपूत, एक धर्म धुरंधर, एक राष्ट्र धुरंधर, एक स्त्री है, एक लड़की है, जो आपके हिंदुओं को जगाने के लिए आती है, और अगर वहां पर कोई हिंदू ही उसे गाली देता है तो आपको डूब मरना चाहिए शर्म से, क्योंकि आप उसका मुंह बंद नहीं कर पाते, मजे ले रहे हो, एडिटिंग करते हो, क्या मिल जाएगा? दो पल की सुकून, दो पल की शांति। लेकिन आपकी माता बहनों की यदि कोई एडिटिंग कर दे तो आप क्या करोगे? मजा लोगे? नहीं ना। तो यही समझिए कि किसी की मां बहन हमारी भी मां बहन है, इसी प्रकार का व्यवहार रखो आप।
लेकिन अब मैं किसके सामने बोल रहा हूं, तुम मर चुके हो, तुम्हारा जमीन मर चुका है, तुम्हारा स्वाभिमान नष्ट हो चुका है, तुम्हें धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं, देश के प्रति कोई आस्था नहीं, किस आधार से मैं आपको जगाने का प्रयास करूं। बहुत सारे संगठन है, एक संगठन दूसरे संगठन वाले मुखिया की मां बहने करता है और दूसरा तीसरे को करता है, लाए हुआ करके मां बहनों की गाली, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर तो एक में गोली से उड़ा दो, जाओ सामने आकर के लड़ाई करो, फोन पर एक में जितनी करनी उतनी कर दो। तो लाइव आकर के पूरी दुनिया देखती है, हिंदुत्व का मजाक बना करके रखा है। कई लोगों के मैसेज कॉल आते हैं मेरे पास, अधिकतर विधर्मियों के कॉल आते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, देखिए आप तो सन्यासी हो, आप तो सोचते हो, आप तो चाहते हो कि हिंदुओं को एक जगह पर ला करके खड़ा कर दे, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन ये नमूने क्या कर रहे हैं। तब मैं निशब्द हो जाता हूं, बोल नहीं पाता, दुखी हो जाता हूं, अपने आंसुओं को छिपाना पड़ता है मुझे, सन्यासी होने के नाते मैं नहीं दिखा सकता आपको मेरे आंखों के इन आंसुओं को, बड़ी पीड़ा होती है। वाराही गुजरात का कस्बा, एक गांव, वहां पर मुसलमान हावी होकर के हिंदुओं के ऊपर उन्हें प्रताड़ित करके वहां से वाराही को कैराना बनाने की सोचते हो मुल्लो, तुम्हारी इतनी औकात है। सूर्य सागर नाम का एक हथियार इधर गुजरात में रहता है, ये मत समझिए कि मुझे गाड़ी में बैठने की इजाजत नहीं देता है, मेरा धर्म, मेरा जमीन, मेरी आचार संहिता धार्मिक, लेकिन अगर ऐसा प्रसंग आए तो तत्काल मैं गाड़ी में बैठूंगा और उस जगह पहुंच जाऊंगा जहां मेरा हिंदू खतरे में मुझे नजर आएगा, जहां मेरे हिंदुस्तान की माता बहनों का चिरहरण सरेआम हो रहा होगा, मैं पहुंच जाऊंगा, जो प्रायश्चित लेना है मैं बाद में ले लूंगा। हमारे सनी भाई शाह जो अब एक नया संगठन बनाना चाहते हैं, मैंने जैसे कि कहा कि मैं संगठनों के बिल्कुल विरोध में हूं, क्योंकि कोई संगठन सामने आने को राजी नहीं है, संगठन संगठन की पत्तों की तरह, ताश के पत्तों की जैसे ये रमी खेल रहे हैं, पांच पत्ते तीन पत्ते खेल रहे, मजा आ रहा है इन्हें, भूमि स्तर पर कोई काम करने को राजी नहीं है, जो करना चाहता है उसके पैर तोड़ेंगे। सनी भाई शाह को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आज वो वारा ही गए थे, मेरे कहने के कारण वे वहां जाकर के लाइव नहीं बनाया, 10 मिनट का लाइव बनाया उन्होंने, मैंने कहा था उन्हें कि अकेले नहीं जाना है तुम्हें, वो मेरा शेर है, मेरा शेर का बच्चा है, क्योंकि मैं भी शेर हूं, मुझे अभिमान है उस सनी शाह पर। वो गया वारा ही, कौन से हिंदू संगठन जाकर के वहां पर दंगा मचाया, हालांकि सभी हिंदू संगठन अब एकत्रित हुए और पुलिस प्रशासन और गुजरात के प्रशासन ने भी उसके ऊपर बहुत सख्ती से कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है, अब ये लोग नहीं बचेंगे, यही सत्य है, क्योंकि हिंदू गुजरात का सामूहिक रूप से बटा नहीं है, सांघिकता पूर्वक अपना जज्बा दिखाता है, इसीलिए गुजरात में किसी भी विधर्मी की ताकत नहीं चलती और आगे भी नहीं चलेगी। लेकिन दिल्ली में हजारों संगठन है, क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारे दिल्ली में आतंकवादी पकड़ा जाता है, तुम्हारे दिल्ली में JNU है, वहां कन्हैया देश विरोधी बातें करता है, तुम्हारे दिल्ली का मुख्यमंत्री, अब समझ लीजिए आप, लेकिन दिल्ली के संगठन वाले नपुंसक कायर है, माफ करना मुझे, तुम मेरे खिलाफ बोल नहीं सकते हो, एक बार मेरे खिलाफ बोल दो, तुम्हारी धज्जियां ना उड़ा दो ना तो नाम नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी आइडियाज होती है, क्योंकि जितनी बुद्धि मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम अपने लिए लड़ रहे हो, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हो, अपने पैसों के लिए लड़ रहे हो, हिंदुत्व की लड़ाई अगर आप लड़ते तो निश्चित रूप से आप सड़कों पर उतरते, अरे एक उतरो दूसरा अपने आप आएगा, तीसरा आएगा, हजारों आएगा, 10,000 लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे, घेर लो संसद को, घेर लो सामूहिक रूप से शांत होकर के अशांत अहिंसा के मार्ग पर घेराव करो। लेकिन किसको बोल रहा हूं मैं, बड़ा दुख होता है कि मुर्दों को किस प्रकार से मैं जगाऊं, कौन सी संजीवनी लाऊं, क्योंकि मैं तो कोई हनुमान हूं नहीं कि संजीवनी लेकर के और आपको जिंदा कर दूं, क्यों मैं जगाऊं मैं आपको। अब मैं जगाने की बातें करता हूं तो सबसे पहले आता है एक नोटा का ऑप्शन, बड़ा अभिमान हो गया, घमंड हो गया नोटा वालों को कि देखो हमने मोदी को परास्त कर दिया। तुमने किसे परास्त किया, मोदी को कुछ फर्क पड़ने वाला है मोदी को क्या, जाकर के वापस मोदी प्रधानमंत्री पद से जैसे ही हटते हैं बीजेपी खत्म हो गई और क्या मोदी चाय बेचने वाला है, नहीं, वो तो उसकी जिंदगी का आनंद लेगा, हम अपनी जिंदगी का आनंद लेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, मोदी परास्त हुआ नहीं, नहीं होगा परास्त, 3 राज्यों में हार गए तो बड़े
जोर शोर से हंगामा करने लगे कि अब ये आगे आने वाली लोकसभा में हम नोटा दबाएंगे और मोदी को परास्त करेंगे। अरे करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम नोटा दबाओ, कांग्रेस को ले आओ, हमारे को क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरी कौन सी औलाद है जो मेरे को फर्क पड़ जाए। फर्क तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी औलादे है, तुम्हारा परिवार है, तुम नष्ट हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। नोटा नोटा नोटा, बोले राम मंदिर नहीं बनाया तो हम लोग अब मोदी को उसकी औकात दिखाएंगे, बीजेपी को उसकी औकात दिखाएंगे, वसुंधरा को उसकी औकात दिखाएंगे। तुम्हारी औकात पता चल रही है, रास्ते में खड़े हो गए, लाइन कतारें लगी हुई है यूरिया लेने के लिए, लेकिन वो यूरिया की लाइनें उन भांड मीडिया को अब नजर नहीं आ रही है। नोटबंदी जैसे हुई वो भांड मीडिया कैमरा लेकर लेकर के कोने कोने में घुसता था, मैंने देखा है कई बार चैनलों पर, लेकिन अब यूरिया की एक भी खबर नहीं दी जा रही है। अभी तो समझो हिंदुओं, क्योंकि तुम सामूहिक रूप से घेरे गए हो, तुम परास्त नहीं हुए हो, तुम मर चुके हो, क्योंकि मारने की पूरी योजना है तुम्हारे लिए। एक सामूहिक रूप से तुम सोचते हो ना कि पाकिस्तान अण्वस्त्र डाल करके, एक बम डाल करके उड़ा दिया जाए, जिस पाकिस्तान से आप नफरत करते हो, घृणा करते हो, उसी पाकिस्तान को जिता दिया आपने। तीन राज्यों से सरकार गई और पाकिस्तान में मोदी साहब का पुतला फूंका गया, वहां कांग्रेस की जय बोली गई, वहां पर हिंदुओं की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई, और पाकिस्तान ने एक बात कही कि हमें हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ना है तो हमें बम की जरूरत नहीं, हमें युद्ध की जरूरत नहीं, हमारा काम वहां का हिंदू कर रहा है, वहां का जयचंद हिंदू हमारा काम कर रहा है, हमें अभिमान है उन हिंदुओं पर जो हमारे पाकिस्तान को प्रबल बना रहा है, ताकतवर बना रहा है। अरे रोना पड़ता है खून के आंसू तुम्हारे ऐसे वक्तव्यों को सुनकर मुझे। लोग बोलते हम तो नोटा दबाएंगे, दबाओ नोटा तुम्हारा जाएगा, तुम मरोगे, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तीन राज्यों में सरकार आई, कमलनाथ ने क्या बयान दिया पता है ना आपको, आरएसएस की शाखाओं को बैन कर दिया जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है कमलनाथ की इतनी ताकत नहीं है कि वो आरएसएस को बंद कर दे, उसे ही बंद कर दिया जाएगा। सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों को इजाजत दी जाती है और हमारे आरएसएस की शाखाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, तो समझ लीजिए कि जो आरएसएस का मतलब सीधा सीधा हिंदुत्व की रक्षा करने वाला एक कवच, और उस कवच को जो अभेद्य है उसको भेद करने का यदि कोई प्रयास करता है तो समझ लीजिए कि वो विधर्मी है, हिंदुत्व उसमें अब न रहा। हमारे मोदी साहब को चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, उसकी औकात चाय बेचने की है, इस प्रकार की बात करने वाले मुख्यमंत्री कमलनाथ राजीव गांधी का ड्राइवर था, पता है ना सबको, तो ड्राइवर की क्या औकात, मुख्यमंत्री बना ना वो, फिर किस आधार से तुम हमारे प्रधानमंत्री को चाय वाला बोलते हो, बोलो तुम्हारी इच्छा, परास्त करो बीजेपी को, तुम्हारा तुम्हारी इच्छा तुम्हारी बलिहारी, मेरा क्या जाने वाला है। हम बोल रहे चिल्ला रहे, बहुत सारे लोग हिंदुत्व की बात करते जरूर है लेकिन अमल में नहीं लाते। एक नोटा की बात को लेकर के इतना इशू करना, इतना हंगामा करना कि हम नोटा दबाएंगे, नोटा का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। छत्रपति शिवाजी नहीं होते तो आज हम सारे यवन होते, आज हम सारे मुसलमान होते। छत्रपति शिवाजी ने अपनी जान की बाजी लगाकर हिंदुत्व को सुरक्षित रखा। छत्रपति शिवाजी से भी ज्यादा यदि कोई ताकतवर और कोई महान रहा होगा तो शिवाजी का बेटा संभा, संभाजी राज, जिसे परास्त नहीं किया गया, हमारे ही जयचंद हिंदुओं ने फितूरी की, दगाबाजी की, गद्दारी की और दारू पिला करके संभाजी राजा को बोरियों में बांध करके ले जाया गया। संभाजी की ताकत इतनी थी कि दो हाथों से उन्होंने शेर का जबड़ा फाड़ करके जीवित ही मार दिया उसे, इतने बड़े हमारे योद्धा, सर नहीं झुकाया उन्होंने, इस्लाम के सामने कबूल नहीं किया, आंखें फोड़ दी गई, टुकड़े टुकड़े हो गए शरीर के, लेकिन उन्होंने झुकाया नहीं अपना सर उन यवनों के सामने। और आप क्या कर रहे हो, आप तो झुक गए। नोटा का विरोध करना कांग्रेस का समर्थन करना, नोटा का विरोध करना हिंदुत्व के विपरीत बात करना। क्योंकि बताइए मुझे, आप एक सवाल करना चाहता हूं मैं सभी हिंदूवादियों से, मोदी साहब ने ऐसा कौन सा काम कर दिया गलत जो आपको गलत लगता है, इन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिस कारण आप लोग परास्त हो गए। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं संत आसाराम बापू के विरोध में कभी नहीं बोला, मैंने उनका समर्थन भी किया है कई बार, लेकिन आज उनका एक दगड़दल्ला चेला आकर के कुछ बात भौंकने लगा, जी करता है दो लप्पड़ लगा दूं तो दो क्या एक में ही वो ऊपर पहुंच जाए,
कि ब्रह्मचर्य की शक्ति है मेरे पास, एक लपड़ लगा दू तो ऊपर पहुंच जाए। लेकिन ऐसे दगड़दल्लों के पीछे समय की बर्बाद करें हम। मैंने कहा कि मैं स्वयं ही उनका सपोर्ट करता हूं, समर्थन करता हूं, हर साधु का समर्थन करता हूं मैं, हर सन्यासी का समर्थन करता हूं मैं। ये क्योंकि सन्यासी हमारे हिंदुत्व की पहचान है। कांग्रेस के समय में आसाराम जेल में गए, अपने कर्तव्य कर्तृत्व के बल पर गए होंगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि वो जेल से बाहर आ जाए और फिर से हिंदुत्व का परचम लहराए, फिर से धर्म की बात आप लोगों तक पहुंचाए। मैं चाहता हूं यही, और मैंने अपील भी की थी गवर्नमेंट से और आगे भी करूंगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको निकालूंगा, शायद मैं ही निमित्त बन सकता हूं उसे निकालने के लिए। मैं करूंगा भी, हर सन्यासी को चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो निकालने का प्रयास करूंगा। क्या कभी किसी मुस्लिम ने किसी मौलानाओं के खिलाफ कोई बात कही है? 10 आतंकवादी पकड़े गए, एक मौलाना भी उसमें था। अगर कोई हिंदू साधु होता तो ये सारे के सारे भांड मीडिया भौंकने लगते, चिल्लाने लगते, कुतिया जैसे गुरगुराने लगते, और उसमें हमारे हिंदू भी हाँ में हाँ मिलाते। अब जब 10 लोग पकड़े गए आतंकवादी, तो हमारे लोग एनआईए ने अपने जान जोखिम में डालकर उन्हें पकड़ा, और हमारे हिंदू संगठन कुछ लोग, हमारे हिंदूवादी कुछ नेता ये भौंक रहे, चिल्ला रहे हैं कि वे निर्दोष है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं उस मीडिया से, उस नेताओं से, उस भांड जयचंद हिंदुओं से जो हिंदुत्व के नाम पर कलंक है। मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहते हो कि वे आतंकवादी निर्दोष है, इसका मतलब आप उनको जानते हो, तभी तो आपने साबित कर रहे हो कि वो निर्दोष है। अगर आप जानते हो तभी आप कहोगे कि वो निर्दोष है। आप जानते ही नहीं तो ना आप दोषी कहोगे ना निर्दोषी कहोगे। जिनके पास इतना सारा असलहा निकला, क्या वे निर्दोष नहीं हो सकते? क्या वे दोषी नहीं हो सकते? अपनी बुद्धि लगाओ, कहां मारे जा रहे हो तुम लोग? कोई कहते हैं कि मोदी अभी अभी आया है। क्या मोदी के पहले हिंदुत्व नहीं था? क्या मोदी ने ही हिंदुत्व को जीवित किया? मोदी नहीं होता तो तुम लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी। 4-4.5 साल पहले तुम क्या बोल सकते थे? खुलेआम नहीं बोल सकते थे। हिंदुत्व ने, इस हिंदुत्व को इस मोदी ने जीवित किया, तो हमें उसका संबल करना चाहिए। मैं भी मोदी से कहीं कहीं जगह पर नाराज हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं जगह नाराज हूं, लेकिन वो नाराजगी मैं जाहिर नहीं कर सकता, ना मैं वो जाहिर करना चाहूंगा, क्योंकि वो नाराजगी जाहिर करना मां भारती का अपमान होगा, हिंदुत्व का अपमान होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको यह लगता है कि मोदी को परास्त करना है, कर दीजिए, लेकिन एक बात, एक छोटी सी अपील, जब हमने 67 साल कांग्रेस को दे दिए तो आने वाले 5 साल इसे दे दीजिए, और इन 5 सालों में अगर इन्होंने काम नहीं किया तो ये दिगंबर जैन सन्यासी का अभिशाप है, बीजेपी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने हिंदुत्व के बलबूते पर उनके तरफ दृष्टि डाली हुई है। 10 साल का मौका तो दे उन्हें, 5 साल में क्या हो जाए, शादी हो गई, बच्चा दूसरे दिन पैदा हो जाता है, खाना खाते ही आप लोग चले जाते हो, 6-8 घंटा लगता है पचने में, थोड़ा मौका दीजिए। ये आपकी इच्छा, आपकी बलिहारी है, आपके सामने मैं कितना बोलू? नोटा 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 दबा रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है? ना मुझे फर्क पड़ेगा, ना आपको फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा इस मातृभूमि को, क्योंकि ये फिर से यवनों के हाथ में चली जाएगी। सामूहिक और सांघिकता का परिचय दो, क्योंकि मोदी साहब ने नाक बंद कर दी सारों की। मोदी साहब ने ऐशो आराम लूट लिया आपका। पहले लोग, मेरे कई परिचित ऐसे हैं जो मोदी से नाराज हो गए, क्योंकि उनकी अय्याशी मोदी ने छीन ली। महीने महीने में विदेशों की यात्रा करना, नया साल विदेश में जाकर के मनाना, अपना जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी, जन्मदिन जो भी है वो बाहर देशों में जाकर के मनाना, अरे तुम्हें लज्जा आती है तुम लोगों को मेरा अपना शिष्य भक्त मित्र बोलने में, धर्मपुत्र समझने में लज्जा आती है, मैंने तुम्हें अपने सर पर बिठाया। मूर्खों की औलादों का जितना भी खून इकट्ठा हुआ होगा उसके डीएनए है आप। अपना जन्म, अपनी एनिवर्सरी, अपने खुशियों के वो पल अपने हिंदुस्तान में, अपने मातृभूमि में, जहां से तुम पैसा कमा रहे हो वहां पर व्यय नहीं करोगे, बाहर जाकर के करोगे, तो सबसे बड़े गद्दार है आप। जिन अंग्रेजों ने, जिन ईसाइयों ने हमारे 7.5 लाख क्रांतिकारियों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया, उनके क्रिसमस की बधाई देते हो, क्रिसमस मनाते हो, टोपियां पहनाते, सांता क्लॉस आएगा और हमारे बच्चों को गिफ्ट देगा। अबे कभी देखा है सांता क्लॉस को?
कभी कल्पना है कि 2000 साल वर्ष पुराना ये तुम्हारा ईसाई धर्म पहलगाम में समाधि बनी है जीसस की, जो हिंदुस्तान में आया, हिंदू साधुओं के साथ रह करके धर्म की बात समझा और उसी धर्म की बातों को लेकर के अपने मातृभूमि लौटा, लेकिन वहां की अनैतिकता और अतिचार जो था वहां के उन लोगों ने उसे बर्दाश्त नहीं किया और उसे लटका दिया, चार किल में प्राण ठोक दिया, प्राण उठा लिया उसने अपने, उसी को भगवान बना लिया और उसकी बधाइयां देते हो। यह आपकी इच्छा है, आप समझिए पश्चात का अनुकरण करके हमने अपने संस्कारों को समाप्त कर दिया और ऐसे ही इस मातृभूमि इस भारत माता का अपमान करने के लिए निमित्त बन रहे हैं आप। सबके सब संगठनों वालों कायरता दिखाओ मत। मैं बहुत दुखी हूं, आज देखता हूं सारे संगठन सोए हुए हैं पैसा कमाने का। हमारे संगठनों के पास पैसा नहीं है, ये कौन बोलता? संगठन जितना चाहे उतना पैसा आप खड़े कर सकते हो, बशर्ते जो पैसा आपने कमाया है समाज के सामने, पब्लिक के सामने, इस फेसबुक लाइव के द्वारा लोगों को दिखा दो हिसाब, इतना पैसा हमने कमाया था इस कार्यक्रम के द्वारा, इतना पैसा मुझे आया और इतना पैसा मैं रखने का अधिकार रखता हूं। मैं रखूं, पब्लिक आपको 10 गुना देगी, मांग लो, मांग करके सब कुछ दिया जाएगा, छिपा करके कुछ ना हासिल होने वाला है। तो जितने हिंदू संगठन है सामने आइए, हिंदुत्व की रक्षा करिए। और जितने हिंदू, मैंने एक सोचा था कि मैं जितने हिंदू धर्म योद्धा लड़ रहे हैं हमारे हिंदुत्व के लिए, सारों की फोटो बना करके धर्म योद्धा के नाम से मैं एक वीडियो बनाऊं और उसे वायरल करूं, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि एक दूसरे को गाली, तीसरा चौथे को गाली दे रहा है, ये धर्म योद्धा के लक्षण नहीं। इस्लाम को क्यों गाली दे रहे हो? मत करो इस्लाम की ऐसी तैसी, अपने को सक्षम करो। इस्लाम वालों देखो तो मुसलमानों को कितनी भी गालियां दे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता तो क्यों गाली देना? मैंने आज एक प्रतिज्ञा की, सुन देखी होगी आपने, मेरे वॉल पर कमेंट मैंने पोस्ट की थी कि अब मैं कम से कम लोगों को जवाब देने की बात करूंगा, जवाब ही नहीं दूंगा लगभग। और जो व्यक्ति नोटा का प्रचार करेगा, जो व्यक्ति कांग्रेस की बात करेगा, जो व्यक्ति विधर्मियों की बात करेगा, मैं उसको अब मौका नहीं दूंगा बोलने की, ना मैं उसके सामने सफाई दूंगा, मैं उसे उसी समय ब्लॉक करूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी करीबी हो। मुझे फॉलोवर्स बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं फॉलोवर्स के ऊपर कुत्ता नहीं हूं कि मुझे 50,000 फॉलोवर, 10,000, अरे फॉलोवर्स क्या मैं ऊपर ले जाऊंगा? लाखों फॉलोअर्स होने से कौन सा क्या मिलने वाला है मुझे? मेरी बात आप सुनते हो, मुझे पता है कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया तो भी आप देखते हो गुरुजी लाइव नहीं दिख रहे हैं, गुरुजी की कोई पोस्ट नजर नहीं आ रही, शायद ब्लॉक हो गया होगा अकाउंट। आप सूर्य सागर गुरुदेव लिखते हो पर कहीं ना कहीं ये सूर्य सागर आपको दिख जाता है। आप लोगों का ही यह समर्थन है, आप लोगों का ही यह प्रेम है कि मैं यूट्यूब पर 25,000 से आगे के सब्सक्राइबर लेकर आया। मेरी औकात नहीं कि मैं 25,000 सब्सक्राइबर एक जगह एकत्रित करूं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि 25,000 सब्सक्राइबर हो गए मेरे। 1,000 बड़े मुश्किल से होते, 100 बड़े मुश्किल से होते हैं, पर यह आपका प्रेम है कि मुझे 25,000 मित्रों का प्रेम मिल रहा है। यदि मैं कहीं गलत नजर आता हूं आपको तो मेरा नंबर आपके पास है, मैंने पब्लिक किया हुआ है यह नंबर, मुझे शिकायत करिए आप कि गुरुजी आपकी गलती हो रही है, लेकिन प्यार से, अगर प्यार से मुझसे शिकायत करोगे तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, अगर आप मुझे नफरत से गाली दोगे तो मैं आपका सर भी काटने की ताकत रखता हूं, अगर आप मेरे सामने हो, और सामने नहीं हो तो 4 गालियां देने की ताकत रखता हूं। पर लाइव आकर के किसी की मां बहन नहीं करता मैं, क्योंकि मेरी भी मां बहनें हैं जो मुझे देखती होगी, कई माता बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई है जो मुझे देखती है, जो मुझे अपना आदर्श मानती है। कई मूल्य घुसाते हैं जब मैं लाइव में आता हूं, मूल्यों को मैं दोष नहीं देता क्योंकि उन्हें मेरी सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता नहीं, लेकिन जब जैनी या हिंदू ही मुझे गाली देता है तो बड़ा दुख होता है। मैं आप सभी को इतनी बात कहना चाहूंगा, कोई गाली देता है ना, कई बार बोल चुका हूं मैं, कोई गाली देता है तो उसके अकाउंट पर जाकर के गाली दीजिए, लेकिन यहां पर गाली मत दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बहनें लाइव देखती है मेरा। लेकिन सभी बहनों को भी एक बात कहना चाहूंगा, अब आपको स्त्रीत्व का त्याग करना होगा, अब आपको मर्द बनना होगा। कोई लेडीज, कोई लड़की यदि मां बहन की गाली देने लग जाती है तो सारे के सारे लड़के टूट पड़ते, तेरा अकाउंट फेक है। क्या अकाउंट पर गाली देने का अधिकार सिर्फ मर्दों ने ही ले रखा है? महिलाओं को, माताओं बहनों को कोई अधिकार नहीं है? आप उनको गाली दोगे और वो बर्दाश्त कर लेंगे? कल किसी जगह पर मैंने एक बहन का लाइव देखा, किसी के लाइव पर वो जुड़ी हुई थी, उनका नाम भूल गया मैं, लेकिन वो अंधेरे में थे, उनका फेस मैंने नहीं देखा,
लेकिन उनकी बातों से उनकी पीड़ाओं को देख रहा था, बड़ा दर्द हो रहा था। एक हिंदू बहन हमारी रो रही है, शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए हमारे लोगों को। हमारा कर्तव्य बनता है हमारी माता बहनों की रक्षा करें हम, लेकिन हम उनकी रक्षा नहीं कर रहे, उनके आंखों के आंसू निकाल रहे हैं हम। बड़े पापी है हम, दुरात्मा है, व्यभिचारी है, दुष्ट है हम लोग, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। कोई एडिटिंग करता है, लज्जा का विषय है ये, हम हिंदू नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनके सामने एक यवन, एक मुसलमान की लड़की को लाया गया और कहा गया, मावड़ों ने कहा कि छत्रपति जी ये आपके लिए नजराना है हमारी ओर से, जब छत्रपति ने उस मेणे में से उस लड़की को, खूबसूरत लड़की को देखा, तब छत्रपति ने कहा कि कितनी सुंदर हो आप, अगर मेरी मां आपकी जितनी खूबसूरत होती तो मैं भी सुंदर होता। ये है हमारी सभ्यता, ये है हमारा छत्रपति शिवाजी। और जय शिवाजी जय भवानी बोल करके आप शिवाजी का अपमान करते हो, क्योंकि मां बहनों का सम्मान नहीं हो रहा है आपके द्वारा। एक लड़की फोटो डालती है और 10,000 लाइक आ जाते हैं, हम यहां दिल से आपके लिए खून का पानी करते हैं, 200 लोग देखते हैं, थोड़ा दुख तो होता है, क्योंकि मेहनत करते हैं, शब्दों को निकालते हैं दिमाग से, खजाने से ढूंढ ढूंढ करके और आपके पास पहुंचाते बातें, 200 लोग देखेंगे, लज्जा का विषय है ये। एक लड़की छींक आ जाती है तो कोई डॉक्टर एनएसएन ले आता है, कोई सॉरीडॉन ले आता है, पता नहीं क्या 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 क्या, कैसे कैसे डॉक्टर बन जाते, कैसे कैसे लोग है आप, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। रसगुल्ले को पॉलिथीन में पैक करके चूसोगे तो कोई आनंद मिलेगा आपको, समझ लीजिए आप मैं कहना क्या चाहता हूं। तो आखिरी में जाते जाते बस इतनी ही बात बताना चाहूंगा आपको कि संगठन जितने भी हिंदुस्तान में हैं, उन संगठन वालों को सचेत करता हूं, अब कोई ऐसी योजना बनाए कि ताकि तुम्हारे लोग जुड़े। और सभी संगठनों को आज मैं इसी जगह पर इन्वाइट करता हूं, इस जगह पर निमंत्रण देता हूं, मेरे इस बात को समझिए। हमारे उपदेश राणा, हमारे दीपक भाई शर्मा, हमारे बजरंग दल के दिल्ली के प्रमुख, जितने भी नितिन भाई, अवधेश, जितने भी लोग हैं, अंकुर, सारे के सारे, फरवरी महीने में मैं एक संगठन की नींव रख रहा हूं, मैं नहीं रखूंगा, हमारा सनी भाई शाह रखेगा और उस संगठन को मेरा पूर्ण समर्थन होगा। मैं संस्थापक नहीं रहूंगा, मेरा आशीर्वाद उस संगठन को रहेगा, हर संगठन को मैं आशीर्वाद दूंगा, मेरे आशीर्वाद में उतनी ताकत तो निश्चित रूप से है कि तुम्हें ऊंचाई तक अवश्य ले जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हारे में समर्पण मुझे दिखना जरूरी है। वो समर्पण मुझे नहीं दिखेगा तो मैं निश्चित रूप से आपके और से दूर हो जाऊंगा। तो सनी शाह को मेरा बहुत बहुत समर्थन रहेगा और उस प्रोग्राम में हमारे संत रामगोपाल दास जी, जो राजकोट के महंत है, कट्टर हिंदूवादी साधु है, सन्यासी है, तुम्हारे लिए वो भी लड़ता है, मेरा मित्र है, कई सन्यासी मेरे मित्र है, कई सन्यासियों से मेरे अच्छे रिश्ते हैं और उन सभी सन्यासियों को मैं निमंत्रण दूंगा। अभी तारीख निश्चित नहीं की है, संगठन का नाम निश्चित नहीं किया है, लेकिन जितने भी संगठन वाले हैं उन सभी संगठन वालों को मैं निमंत्रण देता हूं, पैसा अपना खर्च करो और सूर्य सागर जी से मुलाकात करने के लिए आइए। ये धर्मपिता आपको निमंत्रण देता है। गुजरात में तारीख जल्दी से जल्दी फाइनल करूंगा। अगर मुझे समाधान रहा आप सभी के प्रति तो मैं फेसबुक पर आप सभी के बीच वार्ता करते रहूंगा, अन्यथा जल्दी ही ऐसा कोई कदम उठाऊंगा जिसके बाद आपको ये चेहरा फेसबुक पर कभी नजर नहीं आएगा। मेरे पुराने वीडियो आएंगे, मेरे पोस्ट जरूर आएगी, लेकिन मैं लाइव मैं कभी भी आप लोगों के बीच नहीं आऊंगा, अगर मुझे सकारात्मक आप लोगों का समर्थन नहीं मिला तो, क्योंकि बड़ा दुखी हूं मैं। गालियां देने वालों की बात अलग, नोटा का समर्थन करने वालों से तो बड़ा दुखी हूं मैं कि उन्हें क्या मिलने वाला है यही समझ में नहीं आ रहा। हमने मोदी को परास्त कर दिया, पहले तो बोलते थे वसुंधरा तेरी खैर नहीं और मोदी तेज से बैर नहीं, वसुंधरा तो जीत गई तुम्हारी नाक कटा दी, अब पता चल रहा है यूरिया के लिए लाइन लगा रहे हो, ठंड ठंड में लाइन लगा रहे। मैंने वीडियो कॉल किया मेरे बहुत सारे शिष्यों ने, गुरु जी आप कुछ करो, बहुत पश्चाताप हो रहा है अब हमें, फिर पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कम से कम हिंदुत्व की बात करने वाली एक ही तो पार्टी है तुम्हारे सामने, एक ही तो हिंदुत्व का ऐसा चेहरा है जिसने विश्व स्तर पर आपने हिंदुत्व का नाम फेरा दिया, उसको परास्त करना चाहते हो, लज्जा आनी चाहिए यार तुम्हें। एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, 18 घंटे काम करता है वो, कुछ लोगों ने तो अब दरार डालना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी और योगी के बीच में, कहने लगे
योगी का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और राष्ट्रपति बनना चाहिए मोदी को, या मुख्यमंत्री बनना चाहिए उसने गुजरात का फिर से मोदी को परास्त करने के लिए आप योगी का हथियार बना रहे हो। योगी कोई पागल नहीं है, सन्यासी है वो, लेकिन कुर्सी बड़ी खराब होती है। महत्वाकांक्षा जब जागृत होती है तो अच्छे अच्छे पलित हो जाते हैं। तो योगी और मोदी के बीच में संभ्रम पैदा करने का प्रयास मत करो, क्योंकि दोनों भी सन्यासी है और सन्यासी कभी पदच्युत नहीं होता। निश्चित रूप से काबिल है योगी प्रधानमंत्री के, लेकिन आने वाले 5 साल के पश्चात निश्चित रूप से वो बनना चाहिए। मैं आप सभी को महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी साहब का कट्टर प्रशंसक हूं, चाटुकार नहीं हूं। यदि नरेंद्र मोदी मुझे मुलाकात करने के लिए भी आएगा तो मेरे पैरों के पास बैठेगा, ना कि मेरे सर पर बैठ जाएगा, ना कि मेरे आसन पर बैठेगा वो, क्योंकि मैं सन्यासी हूं, वो मेरे चरणों में ही बैठेगा, दिगंबर को मैं। योगी ही आएंगे तो भी उनको नीचे बैठना होगा, क्योंकि मैं निर्ग्रंथ सन्यासी हूं, वस्त्र नहीं पहनता मैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज मैं खुलेआम एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी कान खोल के तुम भी सुन लो, नरेंद्र मोदी तुम भी कान खोल करके सुन लो, जिस बात को मैं बोलना चाहता हूं उसे कान खोल करके सुनना होगा। आने वाले 5 साल आपके हो गए, आपके लिए पूरी ताकत लगा दूंगा मैं। एक सन्यासी को, एक गुरु को, एक शिक्षक को कमजोर समझने का प्रयास मत करना। चाणक्य को कमजोर समझने का प्रयास धनानंद ने किया, राज भी गया, मारा भी गया, सब कुछ गया, और एक गडरिया का लड़का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना, उसी का वंशज हूं मैं। मैं यही बात कहना चाहूंगा, आने वाले 5 सालों में हम इन्हें प्रताड़ित करेंगे, मैं स्वयं ही प्रताड़ित करूंगा। आज मैं बीजेपी समर्थन करता हूं, मोदी का समर्थन करता हूं, लेकिन जैसे ही लोकसभा के आने वाले 2019 में स्पष्ट बहुमत लेकर के मोदी साहब जीतते हैं, मेरी विरोधात्मक बात शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद मैं उनके पीछे पड़ जाऊंगा और पढ़ूंगा। मेरा वचन है, सार्वजनिक वचन है, अगर वह हिंदुत्व से अपना हिंदुत्व से किनारा कर देते हैं तो, क्योंकि मैं हिंदुत्व की सुरक्षा करने का मादा रखता हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं, हिंदुत्व की बात कर रहा हूं, किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। यह ललक, यह तड़प, यह आह क्यों निकलती है? तुम्हारे लिए निकलती है, बाकी सन्यासियों के जैसे मैं भी अपनी जिंदगी आलीशान रूप से जी सकता हूं मैं, क्योंकि तुम लोग पागल हो, हिंदुओं की भावनाओं से खेल करके ही बड़े बड़े धर्म और मठाधीश बन जाते हैं। अब देखिए कुंभ मेला में सोने का तंबू, गोल्ड का तंबू, गोल्ड के सिंहासन, अरे तुम बाबा हो या शहनशाहों के औलादे हो? तुम कहते हो कि योगी ने ऐसा बयान दिया, हम तुझे तख्त से हटा देंगे। तूने क्या किया राष्ट्र के लिए? तुमने राष्ट्र की धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा बलिदान दिया? कौन से ऐसे शिष्य पैदा किए जिनके बलबूते मेरा हिंदुस्तान अखंड रहे, अबाधित रहे? तुम तो बड़े बड़े सम्राटों से भी बड़ा आलिशान जिंदगी जीते हो। साधु का मतलब होता है सा, मतलब छह विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन, मद, माया, इनको धोने वाला धोबी होता है साधु। उसे सब कुछ त्याग करना पड़ता है, तब वो साधु, तब वो ईश्वर, तब वो भगवान माना जाता है। तुम महलों में रहोगे, बड़ी बड़ी काली अलीशान कारों में अपनी जिंदगी गुजारोगे, फ्लाइट में यात्रा करोगे और गाली दोगे प्रशासन को और कहोगे कि हनुमान ये नहीं था, फलाना नहीं था। हनुमान की रियलिटी क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा जल्दी ही, उस विषय को लेकर मैं आप सभी के बीच में आऊंगा, वह धार्मिक विषय होगा। हनुमान कौन थे मैं आपको बताऊंगा। किसी ने कहा हनुमान दलित थे, किसी ने कहा जाट थे, अरे बाप रे, जाट कहां से हो गए? कौन से धार्मिक ग्रंथों में वर्णन आया? किसी मुल्ले ने कहा कि वो मुसलमान थे, अरे 1400 साल पुराना तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ और हनुमान को 5000 वर्ष पहले हनुमान पैदा हुए थे और तुम तो अभी अभी आए, तुम्हारा मुसलमान बना दिया तुमने हमारे उस ईश्वर को, उस ताकतवर पवनंजय को, उस पवन सूत को, पवन पुत्र को। मैं बताऊंगा आपको, ये जैन दिगंबर सन्यासी हनुमान कौन थे बताऊंगा आपको, प्रमाण सहित बताऊंगा। कोई भी मेरे प्रमाण को काट नहीं पाएगा, चाहे हिंदुत्व का कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सन्यासी हो, अगर उसने मेरी बात को काट दिया प्रमाण सहित तो मैं उसका धर्म स्वीकार करूंगा, और काट नहीं पाया तो उसके कपड़े फाड़ दूंगा, नंगा बना करके मेरे
सिंहासन के बाजू में बिठा दूंगा, छोटे से आसन पर दिगंबर बना दूंगा उसे, मेरे जैसे सन्यासी बना दूंगा उसे। मैं सत्य बात बताऊंगा, सत्य को ही आपके सामने जल्दी से जल्दी उजागर कर दूंगा। आपके आंखों के ऊपर का ये पर्दा मैं हटाना चाहूंगा कि कौन थे भगवान, आए मुंह में ले ली बात और बकरी। मुसलमानों को संतुष्ट करना है तो ये बात, जाटों को संतुष्ट करना है तो वो बात, चौधरियों को, जैनियों को, बनियों को, अरे संतुष्ट करना है तो लॉजिकली बातें करो ना, क्यों भगवानों को बीच में लाते हो। तो जो भी हुई होगी बात, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही हिंदुस्तानी कहलाएगा, वही सच्ची मां का सपूत कहलाएगा, वरना सब डीएनए फॉल्ट, डीएनए गड़बड़। इतना ही समझिए, बस इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि हिंदुत्व की थोड़ी सी लाज रख लीजिए। ये नोटा 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 की ऐसी तैसी करो, नोटा तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुमने कहा मोदी को परास्त करेंगे, अच्छा ठीक है, मोदी को परास्त करने से आपको कौन सा मिल जाएगा? मोदी को परास्त वो करना चाहते हैं जिनको अय्याशियों में जिंदगी जीने की आदत थी, रात्रि को दारू पी करके मजे लेने की आदत हो गई थी, जिनको दूसरों को लूट लूट करके अपना महल खड़ा करने की आदत लग चुकी थी, वो सब अनलीगल द्वार मोदी ने बंद कर दिए। बस मेरा भी नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ मेरा, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मैं नहीं बता सकता आपको। जब नोटबंदी हुई सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ, अब वो कैसे हुआ वो बताना नहीं चाहूंगा आपको, लेकिन वो भी मेरा स्वाभिमान था। मेरे राजा ने, यदि मेरा प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधानमंत्री कोई और भी क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी हमारा राजा है, और राजा की अवज्ञा करना राजद्रोह होता है, चाहे वो राजा कोई भी हो। यदि राजा ने तुम्हें ऑर्डर दे दिया कि नोटबंदी, तो नोटबंदी ही होनी चाहिए, हमें उसके आदेश के नीचे ही चलना होगा। राजा सलाह लेता है संतों से, साधुओं से, लेकिन चलना पड़ता है साधुओं को भी राजा की आज्ञा से। तो मैं सभी को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहूंगा, आपस की लड़ाइयां छोड़ दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। संगठन का मतलब होता है सामूहिकता, और सामूहिकता जो हिंदुओं में दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। आप सामूहिक रूप से एक जगह पर आ जाइए, अपनी ताकत दिखाइए, किसी राजा की ताकत नहीं, किसी विधर्मी की ताकत नहीं, पाकिस्तान की ताकत नहीं, औकात नहीं कि जो हमारे हिंदुत्व के प्रति दो गलत बात कर दे। पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है मोदी ने, अरे आप थोड़ा अध्ययन तो करो राजनीति का, थोड़ा राजसूत्र तो पढ़े, थोड़ा स्टडी करो, सुनी सुनाई बातों को सुन करके अपना धर्म, अपना राष्ट्र पथ भ्रष्ट मत करो, अपना रास्ता मत भटको। मेरे को क्या मिलेगा आपको बता करके? मैं आपके सामने इतना चिल्ला रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा? क्या मैं आपसे कुछ तनख्वाह ले रहा हूं, या मैं आपको तनख्वाह दे रहा हूं कि मेरे को सुनो आप? नहीं, आप मुझे इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि आपके अंदर धर्म और राष्ट्र के प्रति जिज्ञासा है, प्रेम है। एक संत को, एक साधु को, एक तपस्वी को सुनना चाहते हैं आप। एक सन्यासी दिगंबर, वह भी दिगंबर सन्यासी, राष्ट्र हित की बात करता है, तो निश्चित रूप से आपके कानों पर वह अमृत का घोल खोलेगी, इसीलिए आप मुझे सुनना चाहते हैं। तो मुझे भी, मेरे लिए हर्ष का विषय, लेकिन मत सुनिए मत, सुनते हो तो उसे गुनने का भी प्रयास करो, दूसरे को सुधारने का प्रयास कीजिए। मैंने नोटा की पोस्ट डाली आज की, मैं नोटा के समर्थन करने वालों को ब्लॉक करूंगा। कई मित्रों ने, कई भक्तों ने, कई दोस्तों ने, कई साथियों ने, कई धर्मपुत्रों ने मुझे कहा कि गुरुदेव आप उन्हें समझाइए। मैं कौन होता हूं समझाने वाला? उन्हें अकल नहीं है अपनी, उन्हें बुद्धि नहीं है अपनी कि वो कौन सा डिसीजन ले रहे, वो क्या कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे, उन्हें लगता है कि उन तक पहुंच नहीं सकता है कोई। अरे ये गलत फहमी में मत रहो, अगर पकड़े गए ना तो हाल बहुत भयानक हो जाएगी। इसलिए सोच समझ करके बातें करो, गाली मत दो, तर्क करो, शंकाएं उपस्थित करो, प्रश्न निर्मित करो, गाली मत दो। गाली किसी और को दो, साधु को गाली दोगे तो तुम्हें मेरे समर्थक गाली ही देंगे, अवश्य देंगे, और मैं उसके अंदर उनका समर्थन करूंगा। बस इतना ही है कि सामूहिक रूप से एक जगह पर आइए। हमारे सनी भाई शाह को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आज वाराही में जाकर के उन्होंने हिंदू भाइयों का समर्थन किया, उनका मनोबल बढ़ाया। यदि हिंदुस्तान के इस गुजरात में थोड़ी सी भी गलत बात फैल गई तो हम शस्त्र लेकर के निकल पड़ेंगे, सरकार की जरूरत नहीं, ना हम मोदी की चिंता करेंगे, ना बीजेपी की चिंता करेंगे, ना किसी शासन की चिंता करेंगे। यहां के मुख्यमंत्री हमारे जैन हैं, क्या नाम है उनका आप समझ लीजिए, मैं तो नाम तक, मेरे सरपंच कौन है मुझे नहीं मालूम रहता, मैं किसी का नाम याद नहीं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते गुरु जी आपके विधायक कौन, मेरे वडोदरा के विधायक है मधु श्रीवास्तव, बहुत अच्छा इंसान है वो, और मैं तो चाहता हूं कि ऐसा ही व्यक्ति मेरे गुजरात का मुख्यमंत्री बने, बढ़िया इंसान है वो।
मैं उसकी वाहवाही करना चाह रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मेरी कभी मुलाकात उनसे नहीं हुई, एक बार हुई है जब हमारी यहां नींव रखी थी। मजबूत व्यक्ति होना चाहिए जैसे हिंदुत्व के प्रति प्रेम है। हमारे मुख्यमंत्री साहब जैनी है, जैन का मतलब हो गया जो अहिंसा का पालन करता है, लेकिन मेरा थोड़ा दिमाग अलग है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथा वचन। कई लोगों ने हमारे यहां आजूबाजू का माहौल ऐसा खराब कर दिया कि मैं इलेक्शन में इस बार लोकसभा का टिकट मांगना चाहता हूं बीजेपी से, इसीलिए मैंने इतना तुच्छ बात करते हैं। मुझे टिकट यदि चाहिए ना तो मोदी को खुद यहां लेकर के आऊंगा मैं, इतनी ताकत ये सूर्य सागर ये दिगंबर सन्यासी रखता है। मोदी ये सुन रहे हैं ना वीडियो जितने, ये पहुंच जाएगा उनके पास, झुकाने की ताकत रखता हूं मैं उसे, अपने आश्रम में बुला लूंगा, वो बोलेगा मुझे कि लड़ो महाराज टिकट हमारी सर, मुझे नहीं सुन रहा था, किसी और का समर्थन करना मेरा धर्म बनता है। मैं सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा, और ये मत समझिए कि मुझे चुनाव में खड़ा रहना है, मैं समर्थन करने वाला हूं, मैं हुकुम तंत्र को जानना चाहता हूं, हुकुम शाह बनना नहीं चाहता, मैं किंग मेकर बनना पसंद करूंगा, किंग नहीं बनना पसंद करूंगा। आगे की बात, ईश्वर ने अगर मेरे भाग्य में लोकसभा जाकर के बोलने के लिए मेरे यहां लिखा है तो मैं वहां भी जाऊंगा, तुम या मैं कुछ भी नहीं कर सकेंगे चाह करके भी। जो आगे आने वाली सिचुएशन है उसको लेकर के आज ही अगर मैं आपके बीच में बोलने लगूंगा तो वह मूर्खता होगी, इसलिए उस विषय पर अब फिलहाल मैं रोक लगाता हूं। बात थी सामूहिकता की, सांघिकता की, तो ये जितने लाइव आकर के मेरे भाई आपस में एक में की मां बहनों के ऊपर कीचड़ उठाते हैं, तो इतना याद रखिए कि ये बंद हो जाए। आज के बाद अगर मैं किसी को भी लाइव पर गाली देते हुए देख लूंगा, चाहे वो मेरा कितना भी करीबी हो, बस वो हिंदू को गाली देते हुए नजर आएगा तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा, उसके नंबर को ब्लॉक करूंगा, उसके साथ कभी जीवन में संपर्क नहीं रखूंगा। यही आज इस दिगंबर सन्यासी की प्रतिज्ञा है, उसे समझाऊंगा मैं बिल्कुल नहीं कि तूने ये गलत किया, क्योंकि हम एक हिंदू दूसरे हिंदू का जब सामूहिक रूप से अपमान करेंगे तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी हत्या होगी हिंदुत्व की, अपनी माता की, अपनी बहनों की। तुम्हारे में इतनी ताकत है ना, तो वह भृगुनाथ मिश्रा कुत्ता इतना भौंकता है, मां भारती को गलत बोलता है, उसको पकड़ पाए तुम लोग? तुम्हारी औकात नहीं किसी की जाने की, उसको वहां कर वहां पकड़ लेने लेकर पकड़ के ले आने की। कोई बोलता है पंजाब में, कोई बोलता है इधर उत्तरांचल में, अरे तुम अपनी ऊर्जा उस देशद्रोही को पकड़ने में लगाओ, तुम अपनी ऊर्जा उस कन्हैया को पकड़ने में लगाओ, तुम अपनी ऊर्जा राष्ट्रहित में लगाओ, तुम अपनी ऊर्जा अपनी माता बहनों की सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए लगाओ, तुम अपनी ऊर्जा धर्म को बचाने के लिए लगाओ, तुम अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां से मेरा राष्ट्र प्रखर और प्रवृत्त हो जाएगा। जय श्री राम, जय पारसनाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय मां भारती। सभी ने मुझे दिल से सुना, सभी का दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद। अगर आपका दिल दुखा होगा मेरे शब्दों से तो मैं दिगंबर जैन सन्यासी आचार्य सूर्य सागर आपसे दिल से क्षमा मांगता हूं, मुझे क्षमा करिएगा। आशीर्वाद आप सभी को, जय मां भारती, वंदे मातरम।